बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, आज आप दुर्खीम के सामाजिक तथ्य की अवधारणा और उसकी विशेषताओं को जानेंगे। दुर्खीम के जीवन परिचय और दुर्खीम के कृतियों के माध्यम से आपने जाना कि दुर्खीम वो प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, समाज वैज्ञानिक हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान बनाया, समाजशास्त्र को विषय वस्तु दी सामाजिक तथ्य के रूप में और अध्ययन पद्धति दी वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति प्रदान करने वाले, समाजशास्त्र को पृथक अस्तित्व और अन्य विज्ञानों से अलग करके स्वतंत्र स्थान दिलाने वाले, दुर्खीम की समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम एक महत्वपूर्ण रचना है। सामाजिक तथ्य को जानने से पहले समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम पुस्तक से प्रारंभ करेंगे। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम दुर्खीम की महत्वपूर्ण पुस्तक है जो सन 1895 में प्रकाशित हुई। अभी आपको बता दिया कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र जब तक स्पष्ट नहीं होगा, जब तक वो अन्य विज्ञानों से स्वतंत्र अपना अस्तित्व नहीं बना पाएगा, तब तक ये भेद चलता रहेगा। इसलिए दुर्खीम ने कहा कि सामाजिक तथ्य समाजशास्त्र की अध्ययन विषय वस्तु होनी चाहिए और प्राकृतिक घटनाओं की भांति वैज्ञानिक पद्धति से सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया जा सकता है, ये उन्होंने बताया। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम के 6 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य की अवधारणा और उसकी विशेषताएं बताई हैं। द्वितीय अध्याय में सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन के नियम बताए हैं। तीसरे अध्याय में सामान्य तथा वैज्ञानिक तथ्यों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है और चतुर्थ अध्याय में सामाजिक तथ्यों के वर्गीकरण के नियम बताए हैं। पांचवें अध्याय में सामाजिक तथ्यों की विस्तृत व्याख्या की है और छठे अध्याय में सामाजिक तथ्यों की व्याख्या और सामान्यीकरण प्रस्तुत किया है और संपूर्ण पुस्तक का विवेचन का संपूर्ण विवेचन का संक्षिप्त निष्कर्ष भी बताया है। अब आप यहाँ जानेंगे कि सामाजिक तथ्य क्या है। दुर्खीम की विचारधारा को समझना आवश्यक है। दुर्खीम ने कहा व्यक्ति नहीं समूह, व्यक्ति नहीं समाज, अर्थात व्यक्ति तो समूह में आता है, समाज में प्रवेश लेता है या जन्म लेता है। जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है, समाज के तौर तरीके, रीति रिवाज, प्रथा परंपराएं, विश्वास, मान्यताएं चारों ओर से उसके ऊपर घेरा बनाकर उसके ऊपर दबाव डालती हैं और व्यक्ति लोक निंदा या सामाजिक निंदा के भय से उन्हीं तौर तरीकों को अपनाकर उन्हीं मान्यताओं के अनुसार चलने का प्रयत्न करता है, तो जो प्रत्येक समाज में पाए जाते हैं। इसलिए सामाजिक तथ्य को समझना है तो पहले व्यक्ति नहीं समूह, अर्थात विषय वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्य की जो व्याख्या दुर्खीम ने प्रस्तुत की, उन्होंने कहा सामाजिक तथ्य वे तथ्य हैं जो सामूहिक चेतना से संबंधित हों और व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र हों, अर्थात व्यक्तिगत चेतना, व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत रुचि, व्यक्तिगत आदतें अलग होती हैं और सामूहिक अलग होती हैं। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आप सभी विद्यार्थी अपने महाविद्यालय में यदि किसी कार्यक्रम के दौरान फर्श बिछा है, चेयर है, यदि फर्श पे सभी छात्र बैठे हैं तो आप अपने ड्रेसेस की बिना परवाह किए आप भी जैसा सब कर रहे होते हैं वैसे ही आप लोग बैठ जाते हैं। और इसी तरीके से सामाजिक तथ्य को आपको समझना है। सामाजिक तथ्य के दबाव से, जैसे अभी कहा कि सामाजिक तथ्य हमसे पहले मौजूद हैं, तो उनके दबाव से व्यक्ति विशेष परिस्थिति में विशेष व्यवहार करने को बाधित होता है, यानी वही कार्य करता है जैसा सभी लोग कर रहे होते हैं। दुर्खीम ने इसकी परिभाषा दी कि सामाजिक तथ्य वो हैं
व्यवहार का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। वैश्विक निरीक्षण, पहले ही उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक विधि से यदि घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता तो हम उसे विज्ञान नहीं कहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि सामाजिक तथ्य क्योंकि सामूहिक होते हैं इसलिए वो देखे जा सकते हैं। सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने, विचारने, अनुभव करने के तरीके भी हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की विशेषता होती है। तो इस प्रकार से सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह तरीका है, चाहे वो निश्चित हो या नहीं हो, जो कि व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने की क्षमता रखता है। ये तरीके हैं जो व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी जिनका अस्तित्व रहता है और व्यक्ति उन्हीं के अनुसार काम करता है। तो सामाजिक तथ्य क्या हो गए? हमारे रहने के तरीके, खान पान के तरीके, पहनने के तरीके, जीवन व्यतीत करने के तरीके, समूह में प्रचलित विश्वास, मान्यताएँ, रीति रिवाज, नैतिक मान्यताएँ, वे सभी सामाजिक तथ्य हैं जिनमें परिवर्तन धीमी गति से होता है। यानी ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं होता है, समय काल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता है, लेकिन उसमें धीमी गति से होता है और किसी ये व्यक्ति विशेष के निवरण संपूर्ण समूह की संपत्ति माने जाते हैं। तो सामाजिक तथ्य क्या हो गए? व्यक्तिगत चेतना से परे सामूहिकता में जिनकी अभिव्यक्ति। एक लाइन में जवाब देने के लिए आपको ये जानना है, जैसे इसमें हो गए ऊपर समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम का प्रकाशन कब हुआ, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम के कितने अध्याय हैं और सामाजिक तथ्य क्या है, व्यक्तिगत चेतना से परे सामूहिक चेतना में जिसकी अभिव्यक्ति है वो सामाजिक तथ्य है। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की क्या विशेषताएँ दी हैं? दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है और कई अन्य भी बताई हैं, जिसमें दो प्रमुख हैं, बाह्यता और बाध्यता। बाह्यता बाहर से देखे जा सकने वाली और बाध्यता व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाने वाली मान्यताएं, रीति रिवाज। दुर्खीम ने कहा कि सामाजिक तथ्य की पहली विशेषता ये है कि इसमें बाह्यता का गुण होता है। उन्होंने कहा बाह्यता का अर्थ क्या है, कि सामाजिक घटनाएँ या तथ्य या विचार, मान्यताएं, इनका निर्माण तो व्यक्ति के, समाज के सदस्यों अर्थात व्यक्ति के द्वारा होता है, किंतु जब तथ्य एक बार विकसित हो जाते हैं तो फिर वो व्यक्ति विशेष के नहीं रहते। जब समूह उसे स्वीकृति प्रदान कर देता है तो फिर वो समूह के हो जाते हैं, एक स्वतंत्र वास्तविकता के रूप में उसे अनुभव करने लग जाते हैं। यानी फिर वो व्यक्ति विशेष के नहीं है, वो समूह विशेष के हो गए। समूह के हो गए तो वो शक्तिशाली हो गए। इसलिए सामाजिक तथ्य की बाह्यता को आप कैसे समझेंगे? व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना में अंतर होता है। अभी मैंने आपसे कहा कि हम क्या कार्य करते हैं, किसी बच्चे को डिसिप्लिन पर प्राइज मिला स्कूल में और वो बहुत शरारती है घर पर, क्योंकि स्कूल सामूहिक है और उसका व्यवहार यहाँ देखा जा रहा है, यहाँ से उसके व्यवहार का आकलन हो रहा है। इसलिए सामूहिक, व्यक्तिगत और सामूहिकता के अंतर को आप समझ सकते हैं। आपकी व्यक्तिगत सोच अलग होती है, सामूहिक सोच अलग होती है। सामूहिक सोच के अनुसार व्यक्ति कई बार कुछ ऐसे कार्य भी कर जाता है जो उसके व्यक्तिगत व्यवहार के बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो यहाँ बाह्यता, सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहर हैं और व्यक्ति से बाहर उनको देखा जा सकता है। दुर्खीम कहते हैं कि सामूहिक विचार की उत्पत्ति किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा होने पर भी वो व्यक्ति की नहीं रहती और ये सामूहिक विचार व्यक्ति की परिधि से स्वतंत्र अपनी सत्ता रखते हैं। इसलिए दुर्खीम ने कहा कि क्या है, उन्होंने कहा व्यक्तिगत मस्तिष्क और सामूहिक मस्तिष्क अलग होता है। हम कहते हैं ना कि सब लोग इकट्ठे हैं, एक अकेला शांत बैठा है लेकिन सबके साथ वह भी शरारत कर सकता है। तो दुर्खीम कहते हैं कि सामूहिक मस्तिष्क और व्यक्तिगत मस्तिष्क, व्यक्तिगत और सामूहिक परिस्थिति, व्यक्तिगत और सामूहिक विचार, दोनों में अंतर होता है। व्यक्तियों के मस्तिष्क जब एक साथ सम्मिलित होकर एक नए तरीके के मस्तिष्क या मानसिक सत्ता को जन्म देते हैं तो सामूहिक मस्तिष्क के विचार
व्यक्ति के विचारों से सर्वथा अलग हो जाते हैं। दुर्खीम कहते हैं कि सामाजिक तत्व हमें बाहर से प्रभावित करते हैं, इसलिए हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते, बल्कि कैसा करते हैं जैसा समाज चाहता है। आज भी लोक निंदा का भय, लोग क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ा सामाजिक तथ्य है, भले ही हम कितने ही आधुनिक समय में रहते हों। तो सामाजिक तथ्य की स्वतंत्र सत्ता है और उसमें बाह्यता का गुण विद्यमान होता है। तो बाह्यता समझ में आ रहे हैं, जो बाहर से देखे जा सकते हैं। दूसरा